हेरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। यहाँ पे इतने सारे नौजवान बैठे हैं, कौन कौन भगत सिंह को मानता है, आइडियल कौन कौन मानता है? सारे मानो ना, जो भगत सिंह को पसंद करता है, लाइक करता है, आइडियल मानता है अपना, क्योंकि सजनों वो वीर थे। ऐसे ऐसे वीरों ने, ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने आपके और हमारे लिए सजनों जान दे दी। न जाने आज एक लड़की होकर मैं स्टेज पे गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे कमेटी सदस्य करवा सकते हैं, आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हो, तो किन के बलदौलत? उन वीरों के कारण सजनों, क्योंकि आज हम आजाद हैं। बताया, अगर आजाद नहीं होते तो पता नहीं किस अंग्रेज की सजनों जूतियां साफ कर रहे होते, किसी को कुछ नहीं पता क्या कर रहे होते जीवन में, किस प्रकार से वो भगत सिंह की माँ भगत सिंह से क्या कहने लगी। दिखे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान देते हैं सजनों, वो कभी मरते नहीं हैं, इतिहास में नाम लिखा जाता है उनका। और पहली कली के माध्यम से वो भगत सिंह की मां न्यू कहने लगी, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी करा करेंगे, बधाई तेरी करा करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी करा करेंगे, शेर की मां मन खया करेंगे, शेर की मां मन खया करेंगे, इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हो भगत सिंह कदे घबरा जा तेरा बंद मकान, मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, धन्यवाद करते हैं इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय कृष्ण ठेकेदार जी, जो 1000 रुपए से मान सम्मान करते हैं मेरा और मेरी पार्टी का, इस रागनी का। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि बताया सजनों, कहते हैं जब छोटा था भगत सिंह, तभी से उसके मन में एक जज्बा, एक जुनून, एक जोश था अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए। सजनों बताया, 22 साल की उम्र में आपके और हमारे लिए सजनों उसने जान दे दी। अंग्रेजों ने कहा कि अरे भगत सिंह माफी मांग ले, तेरी सजा माफ कर देंगे सजनों। पर वो वीर था, भगत सिंह था, न्यू कहने लगा कि अरे अंग्रेजों माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक वो जो गद्दार है, दूसरे वो जो गुनेगार है। ना तो मैं तुम्हारा,
अंग्रेजों का गुनेगार हूँ और ना अपनी भारत माता का गद्दार हूँ। मर तो सकता हूँ पर माफी नहीं मांगूंगा। अन्यो कहने लगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। लुप छुप तमाशा देखे, लुप छुप तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म मैं फिर चढ़ूंगी, अगले जन्म मैं फिर चढ़ूंगी। ऐसी संतान ने जिन्होंने भी मान सम्मान किया भगत सिंह की रागनी पे, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। 500 रुपए से संजीव जी पतलाना गांव से, सॉरी संजय कबड़ाना से जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। कहते हैं तालियां नेता और अभिनेता, नेता और अभिनेताओं को ताली न्यू लागे हैं, जनू जापे वाली ने घी गूंद लगता है तो हमें भी तालियां न्यू ही लगती हैं। कलाकार के लिए तालियां बजाए जाओ और कलाकार से जितना मर्जी उतना काम लिए जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेमी सजनों, किसी ने लिखा और बहुत अच्छी बात लिखी कि हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान ना होता, कि हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा होता, अर्जुन अगर कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान ना होता, और सुभाष चंद्र बोस का अगर बलिदान ना होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगाम नहीं होता, सहगाम नहीं होता। सजनों नंबर तीसरी गली में एक एक बात सुनने लायक, क्या लिखा सुनेगा बना, आदरणीय हमारे जिला पार्षद कृष्ण ठेकेदार जी जिन्होंने 1000 रुपए पहले दिए और 1000 रुपए फिर देकर इस रागनी का मान सम्मान बढ़ाते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और 100 रुपए से बड़े अच्छे मेरे फैन हैं, फेसबुक फ्रेंड भी हैं, फैन भी हैं, ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं।
और 100 रुपए से मान का सम्मान करते हैं। नाम तो पूछ लो जी, इतनी दूर था छोरे, नाम बता बेटा। 100 रुपए नाम बता दो। बता दे तेरी चाची पूछा है। और 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं राजवीर ठेकेदार जी, सुरुटी वाले, ये भी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और तीसरी गली के माध्यम से क्या बताया सुनेगा, सुनेगा छोरे। सम्मान करते हैं आदरणीय मास्टर जी, और 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं रिक्की पहलवान जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। बजा दो पीछे वालों, तुम भी बजा दो, थारी के चूड़ी फूटने का भय है। अच्छा न्यू बताओ, बायरे पछले जरूर बजाइयो रे ताड़ी, फर्क नहीं रह जाए, एक बार बजा दो ताड़ी का क्यों। अच्छा न्यू बताओ, अपनी भारत माता से, अपनी गौ माता से, अपने माता पिता से कौन कौन प्रेम करता है, एक बार हाथ ऊपर उठा के बताओ। हाँ भाई, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो सच्चा हिंदुस्तानी, एक बार हाथ ऊपर उठा लो। हाँ, किसी ने लिखा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। प्रेमी सजनों जरा गौर फरमाइएगा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और बुरा ना मानो, अगर बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं दोस्तों, कुछ गद्दार कमीनों के हाथों हमारा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। दोनों हाथ पर उठाकर एक बात मेरे साथ तालियां बजाते हुए दोनों हाथ पर उठा लो। जो जो भगत सिंह को मानता है, इन वीर वीरांगनाओं को मानता है, एक बार दोनों हाथ पर उठाकर, और कैसे दिल दिया है चाबी दे दे कर दिया। आखिर अंतिम कली में बताया कि सबको जाना है, कोई जल्दी चला जाए, कोई पाछे जाए। बताया सजनों कि 100 दिन जीने की आवश्यकता नहीं है, 9 दिन जी लो, पर 9 दिनों में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया याद रखे। सजनों आखिरी बात में क्या बताया कि मरना तो सबको है, कोई जल्दी चला जाए, कोई बाद में जाए। आइए किस प्रकार से आखिरी बात में क्या लिखा,
श्री मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर करना, मर के भी नाम अमर करना, श्री मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर करना, एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना, सुरती भगवान में तेरा बंद मकान में, और भगत सिंह का जी कब्र